सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गो टू साइंस। आज हम लोग बात करेंगे बायजूस के जॉब के बारे में, जैसा कि आपको थंबनेल पे दिखी गया होगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे गूगल के ऊपर जा करके मैंने लिखा है बायजूस कैरियर्स, और बायजूस कैरियर्स लिख करके आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करते ही सबसे पहले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप थोड़ा सा आराम से देखो, यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स के बारे में लिखा होगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर तीन तरह की कैटेगरीज़ हैं। इन तीनों कैटेगरी में पहला एकेडमिक्स है, उसके बाद बिज़नेस डेवलपमेंट एसोसिएट है, और तीसरा अपना ब्रांड मार्केट है। आपको एकेडमिक्स का जॉब करना है, बिज़नेस एसोसिएट का जॉब करना है, या अभी फ़िलहाल मैंने एकेडमिक्स के लिए ये वीडियो शूट किया है, तो इसलिए एकेडमिक्स पर पहले क्लिक करते हैं। एकेडमिक्स पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे नीचे, और नीचे जाएंगे तो देखेंगे तीन कैटेगरीज यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। ट्यूशन ट्यूटर बायजूस होम ट्यूशंस, आकाश बायजूस डिजिटल फाउंडेशन जेई नीट सबके लिए, फैकल्टीज़ के लिए एसबीए भी, और सबसे नीचे है फैकल्टी बायजूस ट्यूशन सेंटर। बेसिकली मैं इसके रिगार्डिंग ही बात करूँगा, फैकल्टी एट बायजूस यानी BTC बायजूस ट्यूशन सेंटर पे। तो अगर आपको बायजूस ट्यूशन सेंटर पे जॉब करना है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। मैं भी फिलहाल बायजूस में ही पढ़ा रहा हूँ, मैं भी एक फैकल्टी हूँ बायजूस का, फिजिक्स फैकल्टी। तो यहाँ पर मैं अप्लाई के बटन पर क्लिक करूँगा, और जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करोगे राइट साइड में, तो उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा। और इस पेज पर फिर से मैं नीचे चलूंगा, नीचे चलने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी कि यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि बायजूस में बेसिकली आपको चार में से कोई एक है ना, कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होता है। देखो जैसे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स, कोई एक सब्जेक्ट के ही आप टीचर यहाँ पे बन सकते हो। और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद कुछ चीज़ें और मिल रही है, जैसे यहाँ पर लिखा होगा लोकेशन, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन लिखा हुआ पैन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया में आपको कहीं पर भी जॉब के लिए करने के लिए बोला जा सकता है, कहीं भी आपको जनरली ट्रांसफ़र किया जा सकता है। उसके बाद व्हाट यू विल डू, यानी कि यहाँ पर आपका काम क्या है, तो ये पूरा यहाँ पर आपको काम बताया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जस्ट काम के बारे में सारी चीज़ें डिटेल, टीच स्टूडेंट्स एज पर करिकुलम एंड शेड्यूल, रिजॉल्व इन क्लास डाउट्स एंड इम्प्रूव द स्टूडेंट सेटिसफैक्शन, अटेंड द पेरेंट टीचर मीटिंग एंड इम्प्रूव द पेरेंट सेटिसफैक्शन, इवेल्युएट एंड डॉक्यूमेंट द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, ऑब्जर्व स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड फिल इन द रिक्वायर्ड डिटेल्स ऑन द पोर्टल, अलोकेट एंड डिस्कस होमवर्क असाइनमेंट एंड टेस्ट एज पर शेड्यूल। ये सारी चीज़ें मैं भी करता हूँ, आपको भी करना पड़ेगा अगर आप जॉब स्टार्ट करोगे तो। यहाँ पर आपने एक चीज़ और देख लिया होगा कि यहाँ पर जो बेसिकली क्लास फोर से 10th तक के स्टूडेंट्स को आपको पढ़ाना होगा, ठीक है। और अगर नीचे हम जाते तो नीचे हम लोगों को मिलता है कि ये सारी डिटेलिंग आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, बाकी हम लोग अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर अप्लाई का एक साइन दे रखा है, अप्लाई फॉर जॉब, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कैसा पेज ओपन होगा, और यहाँ पर पेज ओपन के नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगेन लिखा हुआ है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, मतलब फुल टाइम या वर्क फ्रॉम होम, ठीक है, वर्क फ्रॉम ऑफिस, यानी कि फुल टाइम है और ऑफिस से करना, मतलब घर से नहीं करना, कोई ऑफिस से जॉब करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम नहीं है। अगर कोई ऐसा सोच रहे हैं कि ऑनलाइन है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हायरिंग फॉर क्लास 4 to 10, ये क्लेरिफिकेशन आपको मिल रहा है यहाँ पे। साइंस अगर आप ले रहे हो तो बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स, कोई एक सब्जेक्ट के लिए आपको चूज़ करना पड़ेगा, कोई एक सब्जेक्ट ही आप कर सकते हो। अगर मैथमेटिक्स है तो बेसिक और एडवांस दोनों ही आपको आना चाहिए। अब स्टेप्स क्या है एप्लीकेशन के लिए, तो स्टेप्स फॉर एप्लीकेशन में पहले मोबाइल OTP वेरीफिकेशन, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे पहले वाले पे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपको मोबाइल OTP, यानी कि आप नंबर डालोगे मोबाइल नंबर, OTP आएगा, उसको वेरीफाई करोगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप स्टार्ट होगा हमारा। सेकेंड स्टेप आप नीचे जाओगे तो फिल रिक्वायर्ड डिटेल, यहाँ पर आपसे डिटेल्स मांगा जाएगा अपना, यानी कि यहाँ पर अपना डिटेल्स फिल करोगे इस पर क्लिक करके, यानी आपने क्या किया, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें, एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ। एक्सपीरियंस के बारे में मैं अभी बताऊंगा इसके बाद, एक्सपीरियंस चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद नीचे करेंगे अपलोड डेमो वीडियो, आप एक 4 से 5 मिनट, ये 5 मिनट मिनिमम 5 मिनट का एक डेमो वीडियो अपलोड आपको शूट करना है अपना। हो सकता है वो आप व्हाइट बोर्ड पर भी कर सकते हो, आप पेन पेपर पर भी कर सकते हो। 5 मिनट का एक टॉपिक कोई उठा लेना, जैसे फिजिक्स का है तो एक मोशन टॉपिक उठा लेना, उस मोशन पर आपको
पाँच से छः मिनट की, मिनिमम पाँच मिनट की एक वीडियो शूट कर लेनी है अच्छे से, ताकि सारी चीज़ें उसमें सब कुछ दिख रही हो, जो आप लिख रहे हो समझा रहे हो तो दिख रही हो, आवाज़ क्लियर आ रही हो। तो लिखने के बाद यानी वीडियो शूट करने के बाद वो आपको अपलोड करना है यहाँ पर आकर के डेमो वीडियो सेक्शन पे। अपलोड करने के बाद अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है रिटन फॉर्म में। हाँ, लेकिन आप जब इंटरव्यू आपके जैसे आपने अपलोड कर दिया डेमो वीडियो, अपने रिज्यूमे वगैरह सब डाल दिया, उसके बाद आपके पास कॉल आएगा, जब कॉल आएगा इंटरव्यू के लिए कॉल आता है, तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि आप एक्सपीरियंस्ड हो या नहीं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि यस आई एम एक्सपीरियंस्ड, बट आप ये बोलो कि मैंने कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है जहाँ पर मुझे कोई एक रिटन एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया गया, बट आई एम एक्सपीरियंस्ड, तो वो आपको कंसिडर करेंगे और आपसे वो इंटरव्यू में भी कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे, कुछ पढ़ाने को बोलेंगे दो चार मिनट के लिए, और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेसिकली 10th से नीचे तक के ही क्वेश्चंस होते हैं, 10th तक के क्वेश्चंस होंगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद कोई प्रॉब्लम आपको अगर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, हम आपका रिप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ मैं नई वीडियो बना दूंगा ताकि आपको हर स्टेप पर सहूलत मिलती है, यानी हर स्टेप आपको समझ में आता जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।